आज हम जानेंगे टेंस के बारे में। टेंस किसे कहते हैं? टेंस काल या समय को टेंस कहते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, पास्ट टेंस, भूतकाल, फ्यूचर टेंस, भविष्य काल एवं प्रेजेंट टेंस। चार प्रकार का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिफिनीशन, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है इत्यादि शब्द आते हैं उसे PIT कहते हैं, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ यस या यस का प्रयोग करते हैं, जबकि आई वी दे ETC बहुवचनकर्ता के साथ यस या यस का उपयोग नहीं किया जाता है। आई ओ यू ई ए के साथ यस या यस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, वो खाना बनाती है, सी वो खाना बनाती है, तो कि स्त्री हो गई, स्त्री के लिए सी का उपयोग करते हैं। सी कुक कुक्स द फूड, मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड द बुक। असर्टिव सेंटेंस, जिस वाक्य असर्टिव सेंटेंस, वो विद्यालय जाती है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सी गोज टू स्कूल, आई लव यू। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ यस का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि डज का प्रयोग किया जाता है। वाई दे वी के साथ बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करता है। हेल्पिंग वर ही सी इट सी डू डज नॉट क्रिया में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इन अदर ऑब्जेक्ट, मैं पानी नहीं पीता हूँ, फॉर एग्जांपल, मैं पानी नहीं पीता हूँ, वो बाज़ार नहीं जाता है। आई डू नॉट ड्रिंक द वाटर, शी डज नॉट गो टू मार्केट, मैं पानी नहीं पीता हूँ, तो मैं का क्या होगा, आई होगा, मैं पानी नहीं पीता हूँ, और हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, नहीं, हेल्पिंग वर्ब इसका डू होगा, नॉट है तो नहीं होगा, ड्रिंक मतलब पीना होता है, वाटर मतलब पानी। वो बाज़ार नहीं जाता है, सी वो बाज़ार नहीं जाता, ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे, डज नॉट का, ही डज नॉट गो टू मार्केट। इंटरगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक, क्या मैं खाना बनाना नहीं जानता हूँ, मैं कब शहर नहीं जाता हूँ, वो विद्यालय क्यों जाता है। क्या मैं खाना बनाना नहीं जानता हूँ, मैं कब शहर नहीं जाता हूँ, मैं कब शहर नहीं जाता हूँ, कब है प्रश्नवाचक है, कब का क्या हो जाएगा वेन, और हेल्पिंग वर्ड क्या होगा, आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, डू, उसके बाद आ जाएगा आई नॉट गो टू सिटी, वेन डू आई नॉट गो टू सिटी, और विद्यालय क्यों जाता है, वाई डज ही गो टू स्कूल, विद्यालय क्यों जाता है, क्यों मतलब हो जाएगा वाई, हेल्पिंग वर्ब ही के साथ किसका प्रयोग करते हैं, डज का, उसके बाद क्रिया में फर्स्ट फॉर्म का, तो गो का गो हो जाएगा, गो टू स्कूल। अब कल पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में।